द्वारिकाधीश प्रभु ने दोनों माताओं से पूछा, आप दोनों अपनी अंतिम इच्छा बताइए, मैं पूरा करूंगा। मां देवकी जी ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे अग्रज 6 बड़े भाई थे, मैं उन्हें दूध पान नहीं करा पाई, तुम जीवित कर दो, हमारे क्षमता है, मैं चाहती हूं दूध पान कराऊं और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु ने अपने बड़े भाइयों को जीवित करके मां की इच्छा पूर्ण की, दूध पान कराया, चले गए। अब मैया यशोदा से पूछते हैं, कन्हैया, मैया अब तू बता, तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी करूं? मैया ने कहा, तू खुश रहे, प्रसन्न रहे लाला, यही मेरी सेवा है। नहीं जननी, नहीं मैया, कुछ तो कहो। मां ने कहा, देख लाला, अगर पूछ रहा है तो हर एक मां की इच्छा होती है कि मेरा बेटा हो, पढ़ लिख कर बड़ा सयाना हो, बड़ा हो और अच्छी अच्छी बहू आवे, संस्कार सिद्ध बहू आवे और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं।